दोस्तों मैं हूं अभी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में और आज संडे का दिन है। मैंने इससे पहले आपको रेल की जर्नी दिखाई, एरोप्लेन की जर्नी दिखाई, इस कोरोना काल में सब कुछ बताया आपको। तो आज बारी है 90s में लौटने की। मैंने सोचा क्यों ना आज इस शहर का चक्कर तांगे की सवारी करके आपको दिखाया जाए और उसका मज़ा लिया जाए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तांगे पे सवारी किए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक तांगे को देखा भी नहीं होगा। अभी भारत में कुछ ही शहर ऐसे हैं जहाँ पे ये सवारी अभी भी चल रही है, उसी शहर में से एक है बुरहानपुर। तो आज मैं इस तांगे की सवारी पे चढ़ूंगा और आपको इस शहर का सैर करवाऊंगा। देखो एक तांगा आ रहा है जो शेडिंग है, मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने का। इसमें अगर जगह मिल गई तो इसमें बैठेंगे, नहीं तो नॉर्मल वाले से बात किया जाएगा। इनको शहर घुमा। देखो ये रुक गए हैं भाई साहब, बात करते हैं इनसे। कहाँ जाओगे भैया आप अभी? अभी जा कहाँ रहे हो? मंडी। मंडी तो मुझे भी ले चलो, आगे बिठाओगे? चलो ये भैया हो गए एग्री, तो अभी इनके साथ बैठ के चलते हैं हम घूमने के लिए। तो ये है अपना तांगा, अभी आगे बैठेंगे और देखते हैं क्या मज़ा आता है। क्या नाम है भैया आपका? सुनील। क्या कब से आप तांगा चला रहे हो? तांगा घोड़ा चलाने को तो सर मेरे को 8-8 साल हो गए। 8 साल? अच्छा, आप इस शहर के बारे में कुछ बताओ भैया, आप तो इस शहर के रहने वाले हो ना। हाँ। कुछ बताओ इस शहर की खास क्या है। और मैं तो जहाँ तक पढ़ा हूँ किताबों में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ ऐतिहासिक है, तो आप कुछ अपने साइड से बताओ। यहाँ तो ऐतिहासिक चीज़ें बहुत सारी हो गया, जैसा किला हो गया, फिर काली मस्जिद हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे बुरहानपुर शहर में। बुरहानपुर शहर में इनका कहना है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। हाँ। इनका कहना है ऐसी ऐतिहासिक धरोहर बहुत सारी हैं बुरहानपुर में। हाँ। जो आप कभी आओ बुरहानपुर तो घूमना चाहिए। यहाँ पे कहा जाता है मुमताज का महल भी है। हाँ। जो अभी लोग जानते हैं मुमताज महल को। हाँ। वो आगरा में जानते हैं, जो ताजमहल वहाँ बना हुआ है। हाँ। उसी की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मुमताज का जो असली घर था। हाँ। यहाँ पे उनका एक मकबरा भी है। हाँ। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये ना यहाँ पे भैया, यहाँ पे है। हाँ। इतिहास में 400 साल पहले जब शाहजहाँ यहाँ शासन करते थे तो उनका यहाँ मकबरा रखा हुआ है। हाँ। तो बुरहानपुर उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। हाँ। आप आज बुरहानपुर शहर का आनंद लो टांगे की सवारी के साथ। ऑटो कार और बाइक तो सबके पास है, लेकिन टांगे में जाओ शाही सवारी है। सीरियसली अभी इंडिया में बहुत कम ही ऐसे शहर हैं जहाँ पे टांगे की सवारी अभी चल रही है, उसमें से एक बुरहानपुर है जहाँ टांगे की सवारी आपको देखने को मिल जाएगी। देखो ऐसे गड्ढे रास्ते में भी आपको जाने का आनंद मिलेगा। और कोरोना के काल में आप लोग कैसे अपना मतलब कर रहे थे गुजारा? उस समय तो सब कुछ बंद हो गया था। बस सब जैसे सबका चल रहा था भैया, और सपना भी चल रहा था। बंद होने के बावजूद तकलीफ तो ज़रूर हुई होगी। बहुत तकलीफ। देखिए सब लोगों का यही कहना है। और बुरहानपुर में एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बुरहानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोरोना के मामले अभी मध्य प्रदेश में सबसे कम है। मतलब देखा जाए तो सिर्फ 30 से 32 एक्टिव केसेस हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे थोड़ा सा निश्चिंत भी हैं। तो अभी हम देखो एक स्टैंड पे आ गए हैं जहाँ पे ये पानी पिएंगे घोड़े, और इधर भी देखिए एक बड़ा सा घोड़ा है यहाँ पे, इनको भी पानी पिलाया जा रहा है। ये धान की दुकान, यहाँ सब अपना अपना स्टाफ है, सब घोड़े यहाँ स्टाफ भी लेते। अच्छा। कुछ ना कुछ घोड़े वहाँ स्टाफ लेना चालू कर देते। अच्छा। अभी देखिए हम लोग शहर में एंट्री हो गए हैं। आज संडे का है तो मार्केट ज़्यादातर बंद ही रहता है, लेकिन आपको फिर भी चहल पहल देखने को मिल जाएगी। हमारे भाई भी टांगा चलाते, यूसुफ भाई। यूसुफ भाई? हाँ, ये भी टांगा चलाते। यूसुफ भाई कैमरा में एक बार हाय बोल दो। ये टांगा स्टैंड
ये देखो दूसरा टांगा स्टैंड है, आपको एक पीछे दिखा था, अभी ये दूसरा टांगा स्टैंड है। यहाँ भी आपको कहीं भी जाने के लिए टांगे मिल सकता है, आप उसको हायर कर सकते हो, जहाँ जाना है वहाँ भी जा सकते हो। अभी जहाँ हम गुजर रहे हैं वो है पाला बाजार, ये मच्छी मार्केट, चिकन मार्केट, यहाँ पे मछली, चिकन और इस सब का मार्केट है। अगर आपको लेना है तो आप राइट साइड, लेफ्ट साइड में देख सकते हो, वो वहाँ का मार्केट है। अभी हम जिस जगह से गुजरेंगे उस, ये एक चौक है, चौराहा है, जिसका नाम है इकबाल चौराहा, इकबाल चौक इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी के कपड़े काफ़ी सस्ते मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशम, कपास, इन सारी की खेती होती है और अच्छे खासे कपड़े के मिल भी हैं यहाँ पे। देखो आप लोग एसी गाड़ी में घूमते हो, मैं भी घूमता हूँ, बाइक से घूमता हूँ, ऑफिस आप गाड़ी से जाते हो, लेकिन आपको कभी एक बार मौका मिले ना टांगे का किसी भी सूरत में, तो आप एक बार उसकी सवारी ज़रूर करना, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप एक बार उसकी सवारी करो, भले कम डिस्टेंस की सवारी करो, लेकिन आप एक बार इसका अनुभव ज़रूर लो। मैं इसी अनुभव को लेने के लिए आज, मैंने बचपन में मेरे घर के पास भी बहुत टांगे चलते थे, लेकिन अभी वो बंद हो गया, तो उसी का अनुभव लेने के लिए फिर से और आप लोगों को दिखाने के लिए इस टांगे की सवारी पे जा रहा हूँ, ताकि आपको बुरहानपुर शहर भी घुमा दूँ और टांगा भी दिखा दूँ। यह है बस स्टैंड बुरहानपुर का, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बुरहानपुर शहर आपने देखा, रफली देखा, टांगे की सवारी की, तो चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको इस तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे। अक्सर आपने रेल और हवाई सफ़र देखा होगा मेरे चैनल पे, आज लोकल का सफ़र का भी मज़ा लो, क्योंकि इसमें भी एक अनुभव है और एक्सपीरियंस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और इस भाई से भी अलविदा लेता हूँ। बाय बाय भाई, वीडियो देखना ज़रूर आप जब चैनल पे आए, तो चलिए बाय बाय।